हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ये न्यू डिज़ाइन तोरण पट्टी के पैटर्न को कैसे बनाते हैं ये दिखाऊंगी। ये एक बहुत ही इजी पैटर्न है और इस पैटर्न में मैंने डबल क्रोशे और चेन स्टिच का यूज़ किया है। इस तोरण पट्टी पैटर्न से मैंने ये तोरण बनाया है। तोरण के वीडियो को भी मैं तोरण पट्टी के वीडियो के साथ ही अपलोड कर रही हूँ। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तोरण के वीडियो के लिंक को देख सकते हैं। इसके लिए मैंने 4-ply में रेड और येलो कलर की वुल ली है, क्रोशे का 3.50 mm का हुक लिया है और कैंची ली है। तो आइए शुरू करते हैं। तोरण पट्टी के लिए सबसे पहले हम रेड धागा लेंगे। यहाँ पर ऊन पतला है इसलिए हम डबल धागा लेंगे। अब हम सबसे पहले इस रेड धागे से स्लिप नॉट बनाएंगे। इसके बाद हम 14 चेन बनाएंगे। हमारा पैटर्न 12 चेन का है लेकिन यहाँ पर हम 14 चेन पहले डबल क्रोशे के लिए बना रहे हैं। अब हम हुक से चौथी चेन में दूसरा डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। पहली 3 चेन को हम पहला डबल क्रोशे मानेंगे। तो यहाँ पर ये चौथी चेन में दूसरा डबल क्रोशे। इस फर्स्ट लाइन में हमें हर चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाना है। मैंने फर्स्ट लाइन में 12 डबल क्रोशे स्टिच बना लिए हैं। अब हम टर्न करेंगे। सेकेंड लाइन से तोरण पट्टी के मेन डिज़ाइन की शुरुआत होती है। अब हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। इस 3 चेन को हम पहला डबल क्रोशे मानेंगे। अब यहाँ पर हम इसके बाद एक चेन बनाएंगे और हमने जो फर्स्ट लाइन में ये डबल क्रोशे बनाए हैं तो पहले 3 डबल क्रोशे के बाद की ये जो स्पेस है इसमें हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर हम स्टिच में नहीं स्पेस में डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हम एक चेन बनाएंगे और इसके बाद फिर से इसी स्पेस में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, ये इस तरह से। अब इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और नीचे के 3 डबल क्रोशे के बाद की स्पेस में एक डबल क्रोशे, एक चेन और इसी स्पेस में एक और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब हम एक चेन बनाएंगे। यहाँ पर हम इस वी स्टिच को देख सकते हैं। अब इसके बाद हम अगले ये जो 3 डबल क्रोशे हैं इनके बाद की स्पेस में फिर से इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, एक डबल क्रोशे, एक चेन और एक डबल क्रोशे, इस तरह से। अब हम एक चेन बनाएंगे और सबसे ये जो लास्ट का डबल क्रोशे है इसमें अब हम एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये नीचे हमारे पास ये जो 3 डबल क्रोशे बच गए हैं तो लास्ट के डबल क्रोशे के ऊपर एक और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम ये वी शेप डिज़ाइन को देख सकते हैं। हमने फर्स्ट और लास्ट स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाया है। अब हम टर्न करेंगे। सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर थर्ड लाइन में भी हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे, एक चेन बनाएंगे। अब इसके बाद ये जो वी शेप है इसमें हम एक डबल क्रोशे, एक चेन और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तोरण पट्टी का यही पैटर्न है, हमें इसी पैटर्न को हर लाइन में रिपीट करना है। अब हम एक चेन बनाएंगे। अब इसके बाद के अगले वी शेप में हम फिर से एक डबल क्रोशे, एक चेन और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर हम एक चेन बनाएंगे और फिर से अगले वी शेप में हम एक डबल क्रोशे, एक चेन और एक डबल क्रोशे स्टिच को बनाएंगे, ये इस तरह से। अब इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और सबसे लास्ट की स्टिच में हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस पैटर्न में हम फर्स्ट और लास्ट स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाते हैं। अब हम इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमें जितनी भी बड़ी तोरण पट्टी बनानी है उतनी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में मैंने हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाए हैं। तोरण पट्टी की लास्ट लाइन में भी हमें हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाना है। तो अब मैं तोरण पट्टी को 38 इंचेस की लंबाई पूरी होने तक कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने इस तोरण पट्टी को कंप्लीट कर लिया है और हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर मैंने लास्ट लाइन में हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाया है। इस तोरण पट्टी को हम बिना बॉर्डर के तोरण में यूज़ कर सकते हैं लेकिन यदि हमें बॉर्डर बनानी है तो हम इसके लिए ये जो कॉर्नर है हम इस कॉर्नर में येलो धागे को ज्वाइन कर लेंगे। अब हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। इस 3 चेन को हम पहला डबल क्रोशे मानेंगे। अब यहाँ पर हम ये जो कॉर्नर की स्पेस है इसमें हम टोटल 5 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। कॉर्नर के लिए हम हमेशा 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब इसके बाद हम ये जो अगली स्पेस है इसमें 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस तोरण पट्टी में ये जो स्पेस है
इसमें हम दो दो डबल क्रोशे बनाएंगे और चारों कॉर्नर्स में हम पांच पांच डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब हम इस बॉर्डर पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। इस दूसरे कॉर्नर में हम पांच डबल क्रोशे बनाएंगे, इसके बाद हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे, थर्ड कॉर्नर में पांच डबल क्रोशे और इसी तरह से हम यहाँ पर हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे और कॉर्नर में पांच डबल क्रोशे बनाएंगे। मैंने तोरण पट्टी की बॉर्डर को कंप्लीट कर लिया है। ये रेड और येलो कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर दिख रहा है। हमारी ये सिंपल तोरण पट्टी तैयार है।